इधर फॉग लाइट लगाई है और उसके ऊपर से ये मैट्रिक्स वाली डीआरएल लगाई है। इस गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट काम अंदर ही हुआ है, जैसा कि पूरा इंटीरियर से लेके डोर से लेके डैशबोर्ड से लेके पिलर सारा सब कुछ चेंज हुआ है। तो यहाँ पे स्पॉइलर लगाई है मारुति की जेन्युइन या फिर आफ्टर मार्केट डिजाइन के अंदर लाइक मॉन्स्टर टाइप वगैरह चाहिए वो भी अवेलेबल है। बिल्कुल मारुति की जेन्युइन पार्ट्स लगा मिलेगी आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीतलाघर एम्पोरियम। और आज की वीडियो में हम आपको स्विफ्ट VXI के मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं। तो फिर इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि आज क्या क्या काम हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर पूरा इंटीरियर का काम है। आगे की बात करूँ तो यहाँ पे फॉग लाइट और फॉग लाइट DRL है, एंड पीछे की बात करूँ तो स्पॉइलर है, पिलर लाइट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आगे की तरफ आप देख सकते हो इधर फॉग लाइट लगाई है और उसके ऊपर से ये मैट्रिक्स वाली DRL लगाई है। इन सब का आपको जला के लास्ट में दिखाएंगे जब गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे अंदर की बात करूँ तो इसकी तरफ यहाँ पे पूरी डबल लेयर डैम्पिंग कंप्लीट हो चुकी है। इधर यहाँ पे ट्विटर लग चुके हैं, ट्विटर शैश लग चुका है। यहाँ पे फिर आगे पूरा डैशबोर्ड अभी रैप हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, पिलर हो चुके हैं, बस आगे का डोर बाकी है। और यहाँ पे अभी स्टीयरिंग रैप की सिलाई चल रही है। इधर यहाँ पे वेलकम लाइट लगाई गई है स्विफ्ट की, इसका अभी चालू होना बाकी है इसका बस। फिर बाहर की बात करूँ तो यहाँ पे क्रोम लाइन डोर वाइजर लगे हैं, साइड में गार्निश क्रोम लगाई है और इधर यहाँ पे साइड बीडिंग लगाई है क्रोम वाला। मतलब इसमें पूरे आउटर लुक में बताऊँ तो क्रोम का है कि वो मेन काम हुआ है। और पीछे की बात करूँ इसी में यहाँ पे जेन्युइन वाले स्पॉइलर लगे हैं। यहाँ पे फिर पिलर लाइट है, पीछे की तरफ इधर डिक्की पट्टी है और नीचे प्रॉपर फुल साइज डिफ्यूजर लगाई गई है। और उन सब के अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो डोर अभी यहाँ पे बस रेडी होने वाले हैं रैप होना। और उसके अलावा अभी यहाँ पे मारुति का ये वाला आर्मरेस्ट, मारुति टाइप का अभी आर्मरेस्ट लगेगा। और उसके अलावा इधर बात करूँ तो सीट कवर्स में भी अभी काम चल रहा है। सीट कवर भी अभी इंटीरियर के हिसाब से बन के लग रहे हैं। यहाँ पे सीट लग चुका है, अभी ऊपर का सीट कवर बन रहा है, फिर आके ये लगेगा। तो बस अभी गाड़ी का जैसे ही काम पूरा कम्प्लीट होता है फिर वीडियो वापस कंटिन्यू करेंगे। हमारी गाड़ी का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और आगे बढ़ने से पहले वापस स्टार्टिंग से काम बता देते हैं क्या क्या हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था DRL लगी है और नीचे फॉग लाइट लगा है विथ वाइट LED के साथ और ऊपर हेडलाइट में भी LED डली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको LED जला के दिखाता हूँ। ऊपर हमें 120 वॉट्स की LED देखने को मिल जाती है और नीचे में 90 वॉट्स की LED डाली है हमने फॉग लाइट के अंदर। और जो यहाँ पे DRL लगी है वो भी मैट्रिक्स वाली है जिसके अंदर अगर आप इंडिकेटर देते हैं तो वो रनिंग करता है। और वहीं पे हेडलाइट में भी आपको DRL देखने को मिल जाता है जो बोनट के नीचे छुप जाता है, जब जलेगी तभी दिखती है, वैसे नहीं दिखती। और उसमें भी आपको पार्किंग लाइट देखने को मिल जाता है और नॉर्मल पार्किंग पे आपको ऐसा लुक मिल जाता है। और यहाँ पे भी हेडलाइट में जो DRL मिलती है नॉर्मली वाइट जलेगी। और प्लस इसके अलावा आगे की बात करूँ मैं अंदर, इस गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट काम अंदर ही हुआ है, जैसा कि पूरा इंटीरियर से लेके डोर से लेके डैशबोर्ड से लेके पिलर सारा सब कुछ चेंज हुआ है। और जो इसका नॉर्मल कलर रहने वाला है वो ग्रेप्स कलर का रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा डोर का पूरा रैप हुआ है, प्लस अंदर की तरफ पूरा डैशबोर्ड से लेके पिलर तक सब कुछ हमने रैप कर दिया। पूरा जो नॉर्मल सा इंटीरियर आता है हमारा फुल ब्लैक आता है, इसको पूरा चेंज करके ग्रेप्स कलर में कर दिया, ब्लैक टू ग्रेप्स कन्वर्ट किया है। प्लस उसके अलावा बात करूँ सीट कवर्स में, इसको भी पूरा ऑन ऑर्डर बनाया गया है अभी,
सारे डिज़ाइन से लेके कलर से लेके सब कुछ अभी डिसाइड किया गया था। और जो यहाँ पे हमें स्टेयरिंग रैप मिल जाता है मून डिज़ाइन के अंदर मिल जाता है, जो गाड़ी का अंदर का इंटीरियर है ब्लैक एंड ग्रेप्स कलर का, उसका सेम। और इसके अलावा नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे 70 मैट डाला गया है। उसके अलावा बाकी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे छोटी मोटी चीज़ों का भी कलर, लाइक गियर नोब का वो हो गया, गियर का बॉक्स का हो गया, आर्मरेस्ट का हो गया, ये सब चेंज है। और इसके अलावा बात करूँ इसके अंदर आर्मरेस्ट भी अभी डाला गया है। और यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे आर्मरेस्ट की, तो इसके अंदर भी बिल्कुल जैसे मारुति टॉप मॉडल में भी आर्मरेस्ट प्रोवाइड नहीं करती है, पर जैसे बाकी गाड़ियों में लाइक बलिनो वगैरह में आर्मरेस्ट आ रहा है, तो उसी की तरह मारुति का बिल्कुल समझ लो मारुति की तरह यहाँ पे आर्मरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर आप यहाँ पे दबाओगे तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाता है सामान रखने के लिए। और उसके अलावा जो ये बटन मिल जाता है हमें इस साइड, इसको दबाओगे तो आप आर्मरेस्ट का अपना हाइट एडजस्ट कर सकते हो, उठा भी सकते हो, नहीं तो आप इसको वापस बटन प्रेस करके आप इसको वापस नीचे भी कर सकते हो। और जो इसका कलर आया था ओरिजिनल वो भी ब्लैक था, इंटीरियर से मैच करने के लिए इसको पूरा चेंज कर दिया गया है। और उसी से बताऊँ जो हमें ये डोर पे पूरा सिल्वर बेजल मिल जाता है, ये सिर्फ हमें ZXi प्लस में मिलता है, VXi में हमें वापस ब्लैक कार्बन का फिनिशिंग में मिल जाता है, उसको भी चेंज करके यहाँ पे सिल्वर में चेंज किया जो टॉप मॉडल में मिलता है। और वहीं पे सेम यहाँ पे डैशबोर्ड के साथ भी हुआ है, इसका भी ब्लैक बेजल चेंज करके डैशबोर्ड पट्टा सिल्वर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और उसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पे हम ट्विटर का शैश भी चेंज किया, ट्विटर लगाया साथ में, सिस्टम कंपनी का ही रहने वाला है, बस इसके अंदर अंदर की तरफ ट्विटर और ऊपर से ट्विटर शैश दोनों चेंज कर दिया गया है। और इन सबसे अलावा मैं बात करूँ पीछे की सीट पे, पीछे की सीट पे हमें ये जो बिल्कुल प्लेन सिंगल सीट मिलता है, हेडरेस्ट वो भी जो इंक्लूडेड रहते हैं फिक्स वाले, दोनों को चेंज करके रिमूवेबल सीट चेंज डाल दी गई है, एक तरफ से आपका झुक जाएगा डिवाइडेड वाले, और हेडरेस्ट भी आपको दोनों में निकलने वाले मिल जाते हैं। और जैसे कि हम पहले बताते थे LXi की वीडियो में भी, लाइक आगे का सीट कवर सीट चेंज होते हैं, अगर आप किसी भी गाड़ी को ले आओ मारुति की, आगे का हो या पीछे का, सारा सीट आपका चेंज करके दे देंगे टॉप मॉडल में जो प्रोवाइड कर देंगे। और जो ये सीट डली है इसके अंदर, ये भी सिर्फ टॉप मॉडल में एक दो मॉडल के अंदर ही आती है, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो वही भैया का चॉइस था तो इसको भी आज ही चेंज कर दिया है। और जो इसका इंटीरियर का प्लानिंग हुआ है, अगर आपके पास है कोई सा भी ऑप्शन तो आपको करवाना है वो भी आप करवा सकते हो, बस आप पहले मैसेज कर दीजिए और आने से पहले वो सब डिसाइड हो जाएगा, और जब आप आएंगे तो वो सारा रेडी हो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा पीछे जाने से पहले मैं आपको एक बार बस आप लास्ट में देख लीजिए पूरा अंदर से पिलर का लुक, आपको प्रॉपर फिनिशिंग एक 0 to 0 मिल जाएगी, कहीं से भी आपको कुछ भी निकलने को नहीं मिलेगा। और इस इंटीरियर की गारंटी हम आपको 10 साल की देते हैं, कुछ भी हो जाए आप यहाँ पे आके वापस गाड़ी ला के इसको ठीक करवा सकते हैं, वैसे होने के चांसेस तो बहुत ही कम है। और बस लास्ट में आप देख लीजिए, फिर उसके बाद गाड़ी के बाजू में और साइड में जाके दिखाते हैं बाकी काम क्या क्या हुआ है। और स्टार्टिंग में जैसे जब ये लग रहा था आपको दिखाया था, इसके अंदर आपको डुअल कलर मिल जाता है वेलकम लाइट के अंदर, इसके अंदर 2-3 कलर के ऑप्शन आपको और भी मिल जाएंगे, मल्टीपल कलर के ऑप्शन भी है कलर चेंजिंग वाले, जैसे इसके अंदर आपको अगर ट्रिपल कलर चाहिए लाइक इंडियन के फ्लैग की तरह वो भी मिल जाएगा, या फिर चेंजिंग कलर चाहिए एम्बियंस लाइट की तरह वो भी मिल जाएगा। और बाकी चीज़ों की बात करूँ साइड की, बात साइड में यहाँ पे हमने डोर वाइजर लगाया है क्रोम लाइन के साथ, डोर वाइजर के अलावा साइड में बात करूँ तो यहाँ पे गार्निश क्रोम देखने को मिल जाता है हमें, जिसके अंदर आपको वापस लाइफ टाइम की गारंटी मिल जाती है, काला नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा नीचे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे हमने भी वापस साइड बीडिंग लगाई है क्रोम लाइन के साथ, क्रोम का टच इसके अंदर दिया गया है बाजू में, हेडलाइट और टेल लाइट पे क्रोम नहीं लगाया क्योंकि उसके ऊपर काला जल्दी पड़ जाता है, रस्ट जल्दी हो जाती है, तो इसके लिए वो चेंज नहीं किया। प्लस यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे स्पॉइलर लगाई है मारुति की जेन्युइन, इसके अंदर आपको अलग अलग अगर आपको बॉडी कलर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, या फिर आफ्टर मार्केट डिजाइन के अंदर लाइक मॉन्स्टर टाइप वगैरह चाहिए वो भी अवेलेबल है। और उन सब के अलावा बात करूँ पीछे पिलर लाइट लगाई गई है जो आपका मैट्रिक्स वाला है, मैं आपको अभी इसका मैट्रिक्स मोड दिखाता हूँ, हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स के साथ यहाँ पे मैट्रिक्स में जलते हुए देखने को मिल जाता है, नॉर्मली 3 फंक्शन के साथ जलती है ये, एक तो नॉर्मल इंडिकेटर्स के साथ हो गए, अलावा पार्किंग और ब्रेक के साथ मिल जाता है। उसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पे हमने मारुति का जेन्युइन डिक्की पट्टी लगाई है, जो आफ्टर मार्केट आता है वो बिल्कुल चपटा सा आता है, और जो मारुति का जेन्युइन आता है वो प्रॉपर A to fitting आता है कॉर्नर टू कॉर्नर। और इधर नीचे की बात करें तो यहाँ पे डिफ्यूज़र लगाया गया है फुल साइज़ वाला, इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो यहीं पे नंबर प्लेट के नीचे आता है, सिर्फ वो छोटा वाला होता है, ये प्रॉपर फुल साइज वाला आता है स्विफ्ट के लिए मर्सिडीज डिज़ाइन के अंदर। और इसके अलावा बात करूँ तो इस गाड़ी के अलावा बताऊँ तो जैसे किसी भाई के पास LXi वगैरह है उसके अंदर भी आपको प्रॉपर काम मिल जाएगा, ये तो हमारे पास आज VXi वेरिएंट थी जिसके अंदर हमें स्पीडोमीटर साइड मिरर या फिर ये सारे पावर विंडो हमें पहले से ही मिल जाते हैं, पर जिन भाई के पास LXi वगैरह है वो उसके अंदर भी हम आपका प्रॉपर काम करके देंगे, बिल्कुल मारुति की जेन्युइन पार्ट्स लगा मिलेगी आपको। प्लस इसके अलावा बात करूँ वीडियो एंड करने के पहले भैया का बस एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो हमारी एंड हो जाएगी, और किसी भी भाई को कुछ भी डाउट रहेगा आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो फाइनली भैया भी हमारे साथ बैठ चुके हैं, तो भैया का रिव्यू लेने से पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन चौधरी,
और भैया आपका? नितिन चौधरी सेम। सेम। अच्छा तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप सुबह सुबह आए थे शॉप खुल आपको भी एक बात मेंशन कर दूं, भैया हमारे पास शॉप खुलने से पहले ही आके यहाँ पे बैठे हुए थे, फिर भैया ने हमें कॉल किया और फिर हम यहाँ पे आए हैं। तो भैया आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? मैंने वीडियो देखा था आपका। अच्छा, उसी से ही मैं आया था। वीडियो आपकी काफ़ी वीडियो देखी हम लोगों ने, वीडियो देख करके शीतला का काफ़ी नाम है तो हम देखा कि आज भाई यही काम कराना चाहिए अपना। तो जैसा कि आप आज VXI लेके आए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन काम था इंटीरियर का, तो इंटीरियर में आपको कोई कमी मिली? कोई कमी नहीं, बहुत बढ़िया, सब कुछ आपके मर्जी का, सब कुछ आपका कलर वगैरह? लाजवाब लाजवाब। तो बाकी बातें अलग रख के, तो भैया मैं जैसे आपसे राय लेना चाहूँगा, जैसे आपने आज हमसे काम करवाया तो जैसे आपके भी दोस्त वगैरह होंगे तो उनको आप रिकमेंड करना चाहेंगे? कन्फर्म बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, यहीं के लिए बताएंगे कि शीतला कार इधर मतलब एम्पोरियम पे मुकेश भाई से काम कराएं, हमें बहुत अच्छा लगा काम यहाँ, मतलब हमारा गाड़ी यहाँ पे हुई है और हम और लोगों अपने दोस्त को भी बताएंगे भाई इधर जाए आकर के काम कराइए। अच्छा, और तो बस खत्म रिव्यू खत्म करने से पहले बस मैं आपसे रेटिंग के लिए पूछना चाहूँगा, आज की गाड़ी में काम में आप 10 out of कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 100% हम श्योर हैं बिल्कुल यहाँ काम कराना चाहिए। 10 out of 10 मतलब? 10 out of 10 बिल्कुल। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जब आपका काम हो जाए कंप्लीट 1 से 2 महीने बाद आप इसी वीडियो पे आके मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, बस एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है 1-2 महीने बाद, मैं वो ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता चले, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा तो उनको भी ये पता चल जाए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कोई कमी वगैरह कुछ तो नहीं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारी जो नई वीडियो डले आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।